एबर्ट इंडिया इंडिया की दो लाख करोड़ की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक मेजर फार्मा कंपनी है जो बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स बनाती है एबर्ट इंडिया एबर्ट लैब्स यूएसए की एक सब्सिडरी है जो 130 थर्टी ईयर से ज्यादा पुरानी है और उसका प्रेजेंस 160 सिक्सटी कंट्रीज से भी ज्यादा में है एबर्ट इंडिया का मेनली प्रेजेंस इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में ही है वेलकम टू फिंटेस्टिक मैं हूँ आशीर्य अग्रवाल और आज हम एबर्ट इंडिया की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फ्यूचर आउटलुक पीयर कंपैरिजन और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतना महंगा स्टॉक वर्थ है बाय करने के लिए या इसे सेल कर देना चाहिए सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक एबट इंडिया प्रिस्क्राइब ड्रग्स और ओवर द काउंटर ड्रग्स में डील करती है इंडिया में ओटीसी ड्रग्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल है भले ही वो प्रिस्क्राइब ही क्यों ना हो और कंपनी का यही फोकस पॉइंट भी है कंपनी के 125 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं 60 लाख से ज्यादा फार्मेसीज में कंपनी के ड्रग्स मिलते हैं जो पूरे इंडिया को कवर करते हैं एब बहुत सारे बहुत कॉमन एलिमेंट्स के लिए ड्रग्स बनाती है जो वुमेन्स हेल्थ गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी मेटाबोलिक्स स्पेशलिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वैक्सीन और जनरल हेल्थ की कैटेगरीज में आते हैं इसको हम थोड़ा और डिटेल में थोड़ी देर में समझेंगे कंपनी का मार्केट कैप लगभग चालीस हजार करोड़ का है और कंपनी अच्छा खासा 1.46 तो जो, 14 जो की बहुत हाई है सेक्टर का पीई थर्टी पॉइंट थ्री थ्री है जबकि स्टॉक का पीई करेंटली फोर्टी नाइन पॉइंट फोर सिक्स पे है ईपीएस ग्रोथ की अगर बात करें तो ये बाईस परसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है करेंटली पीई इसके फाइव रेंज के अप्रोक्सिमेटली एवरेज में है रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है और ट्वेंटी एट परसेंट है और आरओसी पे सेंड करता है चलिए अब इंडिया में फार्मा इंडस्ट्री और एबर्ट के सेगमेंट परफॉर्मेंस पे एक नजर डालते हैं इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम और फोर्टीन लार्जेस्ट है बाय वैल्यू और दो लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट है बाय वैल्यू कम इसलिए है क्योंकि हम जेनरिक ड्रग्स और कंपैरेटिवली सस्ते में बेचते हैं फार्मा इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी का दो परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है और एक्सपोर्ट्स में एट परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड की फिफ्टी परसेंट वैक्सीन हम बनाते हैं फोर्टी परसेंट यूएसए की जेनरिक ड्रग्स भी हम सप्लाई करते हैं और यूके की ट्वेंटी फाइव परसेंट सभी ड्रग्स हम बनाते हैं इंडिया में तीन हजार से ज्यादा ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनकी दस हजार पांच सौ ऐसी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ये सब सुन के एकदम से नमस्ते लंदन वाला फील आ गया इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री नाइन पॉइंट टू परसेंट के सीएजीआर से ग्रो भी कर रही है और 2026 तक इसी रेट से ग्रो होने के एक्सपेक्टेशन हैं। फार्मा इंडस्ट्री के तीन मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं पहला इंक्रीजिंग हाउस होल्ड इनकम और हेल्थ अवेयरनेस दूसरा इंडिया में ई e फार्मेसी और फार्मेसी चेन का बढ़ता हुआ ट्रेंड तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष्मान भारत स्कीम कुछ थ्रेट्स भी हैं जैसे बहुत सारे लॉस स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, यूएस एफडीए की ऑब्जर्वेशंस और इतना ज्यादा कंपटीशन। चलिए अब सेगमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं तो पहला सेगमेंट है वुमेन्स हेल्थ इस पोर्टफोलियो ने 23.3% की ग्रोथ दिखाई जो मेनली मिसकैरेज और आईवीएफ के ड्रग्स की वजह से है दूसरा सेगमेंट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ये एक की ड्राइवर है कंपनी की ग्रोथ का और इसने भी एक बहुत रोबस्ट ग्रोथ दिखाई 26.9% की इसमें लिवर डिजीजेस और कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां आती हैं और हमारे यहां खाना ही इतना टेस्टी होता है कि कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की दवाई तो वैसे भी बहुत बिकती है। तीसरा है इसमें insomnia, मतलब आने की बीमारी भी बहुत शानदार 39.5% से ग्रो हुआ और ये ओवरऑल इंडस्ट्री की मल्टी स्पेशलिटी से भी ज्यादा है चौथा सेगमेंट है मेटाबॉलिक्स मेटाबॉलिक्स में मेनली हाइपोथर की ड्रग्स आती हैं। और एबर्ट के ड्रग्स 9.4% परसेंट से ग्रो हुए जो अगेन हाइपोथिज्म के मार्केट ग्रोथ से ज्यादा है पांचवा सेगमेंट है की ग्रोथ दिखाई, जो एंटी के मार्केट से ज्यादा है सिक्स सेगमेंट है वैक्सीन का इसमें इन्फ्लुएंजा टाइफॉइड और डायरिया और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आती है थैंक्स टू तो कोविड लोगों ने कोविड के अलावा पिछले साल कोई और वैक्सीन नहीं लगवाई और ये सेगमेंट 13.2 परसेंट से डिक्लाइन हुआ बट फ्यूचर में लोगों को याद आएगा और ये सेगमेंट पास्ट की तरह फिर से ग्रो करेगा आखिरी सेगमेंट है कंज्यूमर हेल्थ इसमें जनरल मेडिसिन आती है जैसे एंटेसिट्सटिव और पेन किलर्स इस सेगमेंट ने भी एट की ग्रोथ दिखाई ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है और कंपनी के ड्रग्स बहुत मास अपीलिंग हैं और मास यूसेज वाले हैं और फ्यूचर में भी इनकी अच्छी खासी डिमांड नजर आ रही है स्क्रीन पे आप कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट या फिर मेन ब्रांड्स देख सकते हैं जिससे ये अपने ड्रग्स बेचते हैं हर साल कंपनी कुछ नए ड्रग्स भी लॉन्च करती रहती है एज पर मार्केट और नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से चलिए कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से ये पिछले पांच सालों में कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है इनफैक्ट पिछले दस सालों में कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है सेम चीज है एबिडा मार्जिन से भी कंटिन्यूअस्ल एबा मार्जिन कंपनी के इंप्रूव होते जा रहे हैं रेवेन्यूस और सरप्लस भी कंटिन्यूसली कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है सेम चीज दिखती है टैक्सेशन में भी कंपनी हर साल पिछले साल के कंपैरिजन में टैक्स ज्यादा पे कर रही है पेट मार्जिन की भी बात करें तो करेंटली 16.2 परसेंट पे स्टैंड करते हैं और कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो अच्छा खासा कंपनी ने अपना कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है लगभग सत्ताईस करोड़ का और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉइड 29.5 परसेंट पे करेंटली स्टैंड करता है बुक वैल्यू पर शेयर अगर देखें तो ये भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है और करेंटली थर्टीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन रुपीज पे स्टैंड करती है मार्केट कैप अगर देखें तो ये पिछले दो तीन सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है और करेंटली थर्टी सेवन थाउजेंड क्रोर्स पे स्टैंड करता है चलिए अब एबर्ट इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पे एक नजर डालते हैं तो डेबिटर टर्न डेज ट्वेंटी पे करेंटली स्टैंड करता है इसका मतलब है कंपनी अपने डेबिटर्स से या फिर कस्टमर से बहुत ही जल्दी पैसा रिकवर कर लेती है इन्वेंट्री टर्न डेज अगर देखें तो ये 96.6 डेज पे स्टैंड करता है जिसका मतलब है साल में लगभग तीन बार से ज्यादा कंपनी अपनी इन्वेंट्री को पूरा रिफ्रेश कर देती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही हेल्दी नंबर पे है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई डेट वैसे भी नहीं है और जितना भी कैश है वो इंटरेस्ट को पे करने के लिए बहुत ज्यादा है करंट रेशियो पिछले ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है जहां पे कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है ये अपन बैलेंस शीट में एसेट्स में थोड़ा डिटेल में देखेंगे डेट टू इक्विटी क्योंकि कंपनी के पास कुछ भी डेट नहीं है ये ऑलमोस्ट जीरो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही हेल्दी नंबर पे है ट्वेंटी पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं पे पॉइंट टू परसेंट पे करेंटली स्टैंड करता है एट्टी फाइव परसेंट और एफ वाई ट्वेंटी में नाइन्टी परसेंट अर्निंग का डिविडेंड पे कर दिया इसकी वजह से कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत कम बची जो कंपनी अपने बिजनेस में वापस री कर सके ये थोड़ा सा एक कंसर्न जरूर है कंपनी को शायद इतना ज्यादा डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए और थोड़ा सा रिटेन करके अपने बिजनेस में वापस डालना चाहिए दस साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स का थर्टीन से ग्रो हुआ है वही एफ में ये टू से ग्रो हुआ था प्रॉफिट की अगर बात करें तो दस सालों में ट्वेंटी से ग्रो हुआ है जबकि एफ में ये फिफ्टीन से ग्रो हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सीधा सीधा रिजल्ट उस चीज का मार्केट ने कंपनी के स्टॉक को दिया जहाँ पे एक साल का रिटर्न माइनस वन परसेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही हेल्दी है ट्वेंटी नाइन परसेंट पे चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं एसेट से तो कंपनी के पास प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट लगभग वन ट्वेंटी थ्री करोड़ रुपीज के हैं जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 20 करोड़ रुपए से इंक्रीज हुए हैं लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट काफी कम है तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और खुद से बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग करती है इन्वेंट्रीज की अगर बात करें तो कंपनी का माल बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कम हो गई हैं ट्रेड रिसीवेबल्स भी पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है कंपनी बहुत अच्छे से अपने कस्टमर से पेमेंट ले लेती है जिस वजह से कभी भी ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत बड़ा नंबर नहीं हो पाता जो कि बहुत अच्छी बात है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिटेल में समझेंगे बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर देखें तो कंपनी खुद अपने आप में एक बैंक है कंपनी के पास 2600 करोड़ रुपीज की एफ डी है टोटल करेंट एसेट्स पिछले साल के कम्पेरिजन में अच्छे से इंक्रीज हुए हैं और लगभग थर्टी करोड़ रूपीज पे स्टैंड करते हैं चलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज सेक्शन देखते हैं तो अदर इक्विटी मतलब रिजर्व और सरप्लस बहुत अच्छे नंबर पे स्टैंड करता है और लगभग 2800 करोड़ रुपीज पे ये करेंटली प्रेजेंट है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज अगर देखें तो कंपनी अपने कस्टमर से पेमेंट तो बहुत जल्दी ले लेती है लेकिन शायद पेमेंट खुद नहीं करती बहुत बड़ा नंबर यहां पे देखने को मिल रहा है 857 करोड़ रूपीज का जो कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है टोटल करंट लाइबिलिटी अगर देखें तो ये 1203 हंड्रेड एंड थ्री है जो कि ऑलमोस्ट वन थर्ड है टोटल करंट एसेट्स का चलिए अब एक क्विक नजर डालते हैं कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट में तो पिछले छह सात क्वार्टर में कंटिन्यन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी भी हो रहा है सिर्फ एक क्वार्टर एक्सेप्शन था December 2020 वाला ईयर एनुअल इनकम स्टेटमेंट में सेम चीज देखने को मिलती है जो पिछले दस सालों में सब कुछ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है चाहे वो रेवेन्यूज हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या फिर नेट प्रॉफिट हो एक चीज नोट करने वाली है कंपनी के अदर एक्सपेंसेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं ये अदर एक्सपेंसेस क्या है इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो एफ आई ट्वेंटी वन में अदर एक्सपेंसेस हंड्रेड एंड फाइव करोड़ रुपीज पे स्टैंड करते थे जो कि एफ वाई ट्वेंटी टू में बढ़ के फाइव नाइनटी फाइव करोड़ रुपीज पे पहुंच गए सबसे मेजर जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी और सेल्स और प्रमोशन में जो वन फिफ्टी फाइव करोड़ रुपीज पे स्टैंड करता है तो कंपनी बहुत ज्यादा स्पेंड करती है प्रमोशन पे दूसरा सबसे बड़ा जंप देखने को मिल रहा है प्रोफेशनल फीस और अदर सर्विसेज़ में अब कौन सी अदर सर्विसेज़ है ये कंपनी ने मैंशन नहीं किया आई होप कंपनी कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस ना फॉलो कर रही हो डॉक्टर्स के साथ कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो एफआई ट्वेंटी टू में प्रॉफिट बिफोर एंड एट्टी करोड़ रुपीज पे स्टैंड करता है जहां पे कंपनी को उनकी एफडीज पे सेवेंटी सिक्स करोड़ रुपीज का इंटरेस्ट मिला छब्बीस सौ करोड़ रुपीज की एफ डीज है और उस पे सेवेंटी सिक्स करोड़ रुपीज का इंटरेस्ट नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखें तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं और 1236 करोड़ रुपीज पे स्टैंड करते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी अच्छा खासा जंप हुआ है और लगभग 948 करोड़ रुपीज पे करेंटली स्टैंड करता है बहुत ही अच्छी कैश फ्लो स्टेटमेंट है कंपनी के यहाँ पे चलिए अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी कैश फ्लो पे एक नजर डालते हैं तो कंपनी ने एफ में ट्वेंटी करोड़ में के प्रॉपर्टी प्लांट और किए और 420 करोड़ रूपीज की एफ भी परचेज की नेट कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 396 करोड़ रूपीज था लगभग 585 करोड़ रूपीज के डिविडेंड दिए गए और नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से लगभग 637 करोड़ रुपीज खर्च हुए इसकी वजह से कंपनी को अपना टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से थोड़ा सा पैसा विद्रॉ करना पड़ा जिसके बाद कंपनी के पास करोड़ ही बचे हैं चलिए अब एबट इंडिया की फोरकास्ट पे एक नजर डालते हैं तो एनालिस्ट के हिसाब से एबट इंडिया का स्टॉक प्राइस नेक्स्ट बारह महीने में एक परसेंट तक फॉल कर सकता है और मैक्सिमम पच्चीस परसेंट तक गेन कर सकता है एफ वाई ट्वेंटी फोर तक ई पी एस लगभग पांच सौ अठारह रुपीज को टच कर सकता है और कंपनी ने पिछले तीन सालों में से सिर्फ एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है लेकिन बाकी के दोनों टाइम भी बहुत क्लोज था मार्केट एक्सपेक्टेशन से चलिए अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक नजर डालते हैं तो एबर्ट के प्रमोटर्स के पास 74.99 परसेंट की शेयर होल्डिंग है और ये कंसिस्टेंट है पिछले कई क्वार्टर से एफ आई आई पास बहुत ही नेग्लेजिबल शेयर है ऑलमोस्ट पॉइंट का डी आई आई इसके पास सेवन की शेयर होल्डिंग है वही पब्लिक के पास लगभग सिक्सटीन की शेयर होल्डिंग है यहाँ पे कंपनी के आप मैनेजमेंट टीम का नाम देख सकते हैं Accountant का नाम देख सकते हैं और स्टार इन्वेस्टर्स का भी नाम आप यहां पे देख सकते हैं चलिए अब का का देखते हैं NSE पे। तो ने लगभग बनाया था अपना 24 का September 2021 में। उसके बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और करेंटली ये फिर से थोड़ा सा गेन हुआ इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे सत्रह हजार से अठारह हजार के लेवल पे नजर आ रहा है चलिए अब इंडिया को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो जो मुझे बेस्ट पीयर्स उसके लगे कंपैरिजन में उसको मैंने ऐसा हाईलाइट कर दिया है ये सारे ही लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस स्क्रीन को आप फ्रीज कर लें या फिर इसका एक स्क्रीन ले लें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन होगा एबर्ट इंडिया का फेस वैल्यू टेन रुपीज है और पीई बाकी के स्टॉक्स के कम्पेरिजन में बहुत हाई है तो क्लियरली ये बहुत ओवर है ROE और ही देखें तो ये सबसे अच्छे स्टॉक्स में से एक है वन ईयर रिटर्न अगर देखें तो फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है कंपनी के पास ऑलमोस्ट कोई डेट नहीं है ये कंसोलिडेटेड बेसिस में 0.05 दिख रहा है लेकिन ओवरऑल इंडिया में ये 0.01 है फाइव ईयर सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो ये 11.13 है जो कि अगेन काफी अच्छी है इससे अच्छी ग्लैंड फार्मा की है और डीवीज लैब की है और लॉरस लैब्स की भी है प्रॉफिट ग्रोथ अगर फाइव इयर्स पे देखें तो ये भी बहुत अच्छी है अगेन डीवीज जयडस ग्लैंड और लॉरस की इससे थोड़ी बेटर है नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो एबर्ट इंडिया का सिक्सटीन है जायडस का थोड़ा बेटर है ग्लैंड का भी बेटर है डीवीज का काफी अच्छा है और लॉरस का भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है डीवीज लैब पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है अगर आप चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं ग्लैंड फार्मा पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है दोनों का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए कंक्लूड करते हैं अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को को सब्सक्राइब करें करें और वीडियो लाइक कंपनी के फंडामेंटल्स अगर देखें तो बहुत ही अच्छे हैं कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है पिछले दस सालों में रेशियोज भी काफी हेल्दी है फार्मा इंडस्ट्री काफी अच्छे रेट से ग्रो भी कर रही है और स्पेशली कंपनी के जो ड्रग्स हैं वो बहुत मास यूसेज वाले ड्रग्स हैं और मार्केट लीडर हैं कुछ रिस्क की अगर बात करें तो जैसा आपने डिस्कस किया कि बहुत सारे लॉस स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यूएस एस एफ डी ए की ऑब्जर्वेशन और टफ कॉम्पिटिशन है उसके अलावा कंपनी का डिविडेंड यील्ड देती है तो अर्निंग्स का सेवेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा डिविडेंड में ही चला जाता है और सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट के आसपास कंपनी री इन्वेस्ट कर पाती है अपने बिजनेस में जो शायद ग्रोथ के लिए इतना अच्छा नहीं है स्टॉक का फेस वैल्यू अगर देखें तो वो टेन रुपीज है जब भी ये स्प्लिट होगा तो रिटेल कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा जो स्टॉक प्राइस को एक बहुत बड़ा जंप दे सकता है वैल्यूएशन अगर देखें तो अबर्ट इंडिया बहुत ही हाई वैल्यूड स्टॉक है और काफी एक्सपेंसिव भी है कंपनी का बिजनेस ग्रोथ वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको एट आउट ऑफ टेन रेट करूंगा एक पॉइंट काटूंगा अर्निंग रिटेंशन कम होने की वजह से और एक पॉइंट काटूंगा फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है अबर्ट इंडिया के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करें थैंक यू